कोरोना वायरस की मार न केवल कृषि बागवानी पर पड़ी है, बल्कि इससे देश भर में फूलों की खेती करने वालों का भी बेहद नुकसान हुआ है। इस स्वरोजगार के साथ जुड़े कई लोगों की कई दशकों की मेहनत पे पानी फिर गया है। कांगड़ा में फूलों की नर्सरी लगाने वाले सैकड़ों लोगों को आज कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की बदौलत करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये लोग अपने सामने अपने लाखों के बिजनेस को अपने सामने मुरझाता देखकर अंदर ही अंदर सुबकने पर मजबूर है, इसलिए क्योंकि इस वक्त ये लोग अपनी वर्षों की मेहनत की तैयार किए गए फूलों के पौधों को देश भर में सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, धर्मशाला कांगड़ा में कुछ फूलों की सप्लाई कोलकाता और पुणे समेत कई दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचती थी। बावजूद इसके अब लाखों रुपए के पौधों पर कोरोना की मिट्टी पलीत हो रही है। दरअसल अब लॉकडाउन की वजह से ये कारोबारी ना तो दूसरे राज्यों में अपनी खेप भेज पा रहे हैं और ना ही लोकल स्तर पर कोई फूलों की खरीदारी के लिए नर्सरी में पहुंच रहा है। ऐसे में अब नर्सरी से जुड़े देश भर के कारोबारियों की यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाईपी सिंह द्वारा नर्सरी कारोबारियों को हो रहे करोड़ों के नुकसान को देखते हुए कुछ हद तक रियायत देने की मांग की है, जिसकी बदौलत इन कारोबारियों को सुबह 8 से 11 बजे तक नर्सरी में कामकाज करने की अनुमति जरूर मिल चुकी है। कांगड़ा के फूलों के नर्सरी से जुड़े कारोबारी किशोरीलाल का कहना है कि पिछले 3.5 दशकों की मेहनत पर कोरोना ने पानी फेर दिया है, उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और इतने वर्षों की मेहनत को दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं फूलों का बिजनेस करता हूं और मेन नर्सरी हमारी ये गग्गल धर्मशाला रोड पे है और इसके अलावा 4-5 जगह हमारे प्रोपोगेशन सेंटर हैं जहां पौधे तैयार करते हैं क्लाइमेटिकली और रखे हुए हैं वहां पर, या बाहर से स्टोर करते हैं या ओवरलोडेड जो होता है वो माल वहां रखते हैं। तो इस बार लॉकडाउन मार्च में होने की वजह से वो सारा माल जो था बीज से तैयार किया हुआ वो सारा डंप हो गया, अभी सूखने शुरू हो गया है। कुछ हम निकाल के फेंक रहे हैं, कुछ डंप कर रहे हैं और जो परमानेंट माल हमने हमारा पूना या कलकत्ता से हमारी गाड़ियां आई थी तो उनका भी माल खराब होने लग पड़ा है। एक एक वैरायटी का जो 3,000 प्लांट हमने मंगाया हुआ था वो बाहर चले जाना था, उसने ले जाना था लोगों ने, लेकिन अभी वो सारा का सारा डंप हो गया। तो वो 2-3 महीने भी अगर अब या बढ़ता है लॉकडाउन और हमारी सेल नहीं होती है तो हमारा समझ लो कि लाखों के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। इसकी गिनती तो नहीं बता सकता लेकिन वे था लाखों के हिसाब से। तो नए सिरे से हमें ज़िंदगी जो है शुरू करनी पड़ेगी अगर ज़िंदा रहे तो। हम लोगों ने जहाँ भी बात करते थे पास के लिए ये है तो वो सब लोग मना करते थे, लेकिन अब हमारे ऑल इंडिया नर्सरी मैन यूनियन जो दिल्ली में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं वाईपी सिंह, वो होम अफेयर्स में जाके उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उनको एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे फूल वालों का बहुत नुकसान हो रहा है, नर्सरी वालों का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने शायद उस एप्लीकेशन की वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर किए हैं अभी आप कह रहे हो तो हो सकता है उस वजह से किए हो। जिला कांगड़ा में फ्लोरिकल्चर का काफी अधिक नुकसान हुआ है, जिसके मद्देनजर उद्यान विभाग से जुड़े लोगों को भी कुछ रियायतें प्रदान की हैं और उद्यान विभाग से जुड़े किसानों को कर्फ्यू में 8 से 11 तक की छूट दी गई है। उपनिदेशक उद्यान विभाग कांगड़ा दौलतराम वर्मा ने बताया कि किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नर्सरी में फूल इत्यादि बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बागवानों की भलाई के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर वे कृषि से संबंधित सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। को तो काम करने की इजाजत हमने दे रखी है, अभी अपना काम वो सुचारू रूप से करें, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब आगे के लिए इतना सा हम उनको कहेंगे कि लिमिटेड काम करें, क्योंकि ये भी पेरिशेबल चीज़ें होती है, जैसे कट फ्लावर्स हैं, खास करके नुकसान होता है कट फ्लावर्स का, बाकी तो इतना नुकसान नहीं है। जो पोली हाउसेज में जिन लोगों ने फ्लोरिकल्चर का काम कर रखा है उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज तो बाकी लोगों के लिए ये है कि अपने 8 से 11 बजे तक अपना फूलों का जो धंधा है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी सैनिटाइज का पूरा करके और सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करके उनको हम पास इशू कर रहे हैं। तो ये तो करोड़ों में है, मतलब कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये तो मिनिमम हमारा ये जितने पोली हाउसेज हैं लगभग ये हो चुका है आज दिन तक।